सारे बच्चों को बोर्ड दिख रहा है? बताना बेटा, यस मैम। बोर्ड दिख रहा है? हाँ, मेरी यस आवाज आ रही मैम है सभी तक? ओके, देखो थोड़ा और पास ला रहे हैं। हाँ, जल्दी तुम लोग टाइमली अटेंड हो जाओ, अनस्टार्ट ज्वाइन कर लीजिए। वेटिंग हम आई हैव डन कर लिया हमने। देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर अप टू सिक्स तक किया था ना, अप टू सिक्स हमने क्वेश्चन नंबर किया था। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर सिक्स तक किया था कि सिक्स करवा रहा था, जल्दी बताइए आप लोग। सिक्स क्वेश्चन नंबर आई थिंक बच गया था, उसको हम लोग करेंगे। सिक्स हो गया था तो सेवन से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन इज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सर्कल विद अ कॉमन सेंटर। सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। ओके, तो यहाँ पे दिस वन इज C1 इज एन एंड C2, दीज आर टू सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई, सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। तो कहता है द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये लार्जर सर्कल हमारा ये हुआ, इसका कॉमन कॉर्ड करता है, कॉर्ड निकालना है। ये इसका सेंटर हो गया, अब यहाँ से हम लोग इस पे ये कॉर्ड हो गया लार्जर सर्कल के लिए। तो ये दिस वन ओ पी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये स्मॉलर सर्कल के लिए ये हो गया इसका 3 सेंटीमीटर, वी नेम इट एज पी, ठीक है। तो फॉर ग्रेटर लार्जर सर्कल ए बी इज द कॉर्ड एंड ए ओ इज रेडियस एंड फॉर स्मॉलर सर्कल ओ पी इज रेडियस। यू हैव टू शो दैट, यू हैव टू फाइंड दैट द फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। व्हाट यू हैव टू फाइंड? टू फाइंड व्हाट? टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी, टू फाइंड ए बी कॉमन कॉर्ड, ठीक है। ए बी ऑफ लार्जर सर्कल, तो यहां देखिए वी ज्वाइन ओ बी ऑल्सो, वी ज्वाइन ओ ए ओ बी, अंडरस्टूड? इसके हमें ज्वाइन किया। अब इन दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, वाई बताइए। अब हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी OA is equal to OB, same radii. OA is equal to OB is equal to 5 centimeter. ये radius हो गया तुम्हारा। In triangle, दो triangle में ले रहे हैं हम लोग OAP and triangle OBP. दो triangle को congruent दिखाना है, ये triangle और ये triangle को। OA is equal to OB. अब यहां देखिए ओपी बराबर ओपी क्या होगा बताओ, कॉमन हो गया। और तीसरा बताइए, तीसरा साइड बताइए, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया। यस मैम, राइट 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 एंगल है ना, ओपी इज परपेंडिकुलर, तो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी 90 डिग्री, ठीक है। क्यों होगा ये परपेंडिकुलर? राइट हैंड साइड से आर्चेस कंग्रुएंस कंडीशन से हो जाएगा। And OP is equal to OP, ये हो गया कॉमन हो गया। Therefore, by RHS congruence condition, RHS congruence condition, triangle OPA
is congruent to triangle OPB. ये दोनों triangle congruent हो गया. Therefore, AP is equal to BP. ये हो जाएगा is equal to half AB. ये हो गया half AB के बराबर. ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ये AP, ये देखो, in right triangle OPA. ये देखिए OA is equal to 5 centimeter and OP क्या है, radius है, ये तुम्हारा दिया हुआ 3 centimeter. तो हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ निकाल लेते हैं. देखिए यहाँ पे हम लोग कैमरा को थोड़ा मूव कर रहे हैं. नाउ OP इज परपेंडिकुलर इन इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल OPA बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से यूज कीजिए. पाइथागोरस थ्योरम हेलो हाँ हाँ रहने दो. सो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए. ये स्क्वायर OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. देयरफॉर AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर 4. अब ये 5 स्क्वायर, समझ में आ रहा है. देखिए यहाँ अभी बार बार कौन एंटर कर रहा है. 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. दिस वन इज 25 माइनस 9 अंडर रूट 16. ये दिस इज 4 सेंटीमीटर. AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP. ये दोनों कितना हो जाएगा, AP इज इक्वल टू BP. Therefore, AB क्या हो जाएगा, AB is equal to twice of AP, 2 into AP, यानी के 2 into 4 centimeter is equal to 8 centimeter. ये समझ में आया, ये question समझ में आया सभी को, फिर से explain कर दिया जाए. बताइए बच्चे, you have to find the length of chord, larger chord AB. AB हमने पहले दो triangle को congruent कर दिया और फिर पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको यूज कर लिया. अंडरस्टूड, समझ में आई बात, इसको मिटाए, नोट कर लिए सारे बच्चे. हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे लेट से ज्वाइन नहीं करो, टाइमिंग है तुम्हारा 10 to 10:40, तो ट्राई करो कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है वैसे ही ज्वाइन करने की कोशिश करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, फिगर अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. एक क्वाड्रिलेटरल है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है. ठीक है, इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर दिया. ये फिगर है, दिस वन इज योर फिगर. बुक है सभी के पास, बुक में फिगर दिया हुआ है, नोट डाउन. अब ये देखिए फिगर है, कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. A B C D is a quadrilateral. A B C D is a quadrilateral. ठीक है? Is drawn to circumscribe a circle. Okay? Now देखिए इस quadrilateral के लिए क्या है? P क्या है? Tangent a point of contact. ये देखो P Q and this one is R and this one is S. ठीक है? P Q R S. तो कहता you have to show that A B is equal to क्या proof करना है? To prove AB plus CD. AB plus CD is equal to AD plus BC. AD plus BC. You have to show that AB plus BC is equal to AD plus. ये दिखाना है. अब ये देखिए, इसमें देखिए AP and AS. ये दोनों क्या है? AP and AS are
tangent drawn from the external point A. We know that length of tangent drawn from the external point R क्या होता है equal. So AP and AS are tangent drawn from the external point A. Therefore AP is equal to AS. ठीक है same reason हो गया ये हो गया length of tangent drawn from the external point of a circle R equal. ये हो गया similarly BP is equal to BQ. क्यों होगा same reason. What is the reason बताइए बच्चे सर्कल चैप्टर में हमने किया है लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि बी फ्रॉम बी इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड बीपी एंड बीक्यू आर टेंजेंट सो वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देयरफॉर बीपी इज इक्वल टू बीक्यू सिमिलरली सी सीआर इज इक्वल टू सीक्यू सेम रीजन लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इसको मान लीजिए AP is equal to AS, this is equation one. PB is equal to BQ, this is equation number two. CR is equal to CQ, this is equation number three. And DR is equal to DS, this one is equation number four. ठीक है तो यहाँ लिखिए प्रूफ लिखिए इसका प्रूफ लिखिए वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट of a circle are equal ye equal hota hai therefore ap is equal to kya ho jayega as ap is equal to as this is equation number 1 theek hai similarly karke baki hum log likhenge ek humne bata diya similarly kariye bp is equal to bq this is equation number 2 and cr is equal to cq this one is equation number 3 and next one dr is equal to ds this is equation number 4 now adding equation 1 2 3 and 4 adding equation number 1 2 3 and 4 charo equation ko add kar dijiye corresponding sides of adding the corresponding dekhiye yahan par tak ho gaya sabhi ka ab hum log this side move kar rahe hain now likhiye adding the corresponding sides of equation 1 2 3 and 4 ye ho gaya to ap plus bp plus cr plus dr is equal to as plus bq plus cq plus ds अब इसको रीअरेंज कर देते हैं एपी प्लस बीपी इसको एक साथ रखो और सीआर प्लस डीआर इसको एक साथ रखते हैं ठीक है ना देखिए बच्चे दिख रहा है ना सभी को बोर्ड अब नाउ नेक्स्ट अब यहां से देखिए बीक्यू प्लस CQ, BQ plus CQ, इसको एक साथ रखिए प्लस AS plus DS, AS plus DS, इसको एक साथ रखिए नाउ AP plus BP क्या हो जाएगा इट इज
ए बी, ए पी प्लस बी पी, ये पूरा को क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी, ए बी एंड अगेन सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू डी ए डी सी, ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, दिस वन इज बी सी प्लस ए एस प्लस डी एस, दिस वन इज ए डी. यही हमें प्रूफ करना था. वी हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी प्लस ए डी. अंडरस्टूड? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. देख लीजिए बच्चे, कहीं पर दिक्कत है तो नोट कर लीजिए इसको. क्लियर हो रहा है या किसी को कोई डॉट है? डॉट है तो क्लियर बता दीजिए, फिर से हम लोग रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे इसको. मैम रिपीट अगेन, रिपीट इट अगेन. ओके, देखिए यहाँ क्वेश्चन इज अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज सर्कमस्क्राइबिंग इन अ सर्कल. सर्कल से सर्कमस्क्राइब है ये. अब ये देखिए सर्कल है ये. अब पी क्या है? अब ये सर्कल का ए पी, यहाँ से देखो ए, ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड दिस इज टेंजेंट. ए पी क्या है? टेंजेंट है. उसी तरह से एस भी क्या है? टेंजेंट है, टच द सर्कल. तो वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू एस. अंडरस्टूड? सेम रीजन, B is an external point and BP and BQ are tangents drawn from the external point B. Therefore, BP is equal to BQ. BP is equal to BQ. Also, C is an external point and CR and CQ are tangent. So, CR is equal to CQ. Same reason, length of the tangent drawn from the external point of a circle are equal. So, dr is equal to ds. Now, this is the now equation number 1, equation number 2, equation number 3, and equation number 4. And now, we add all the corresponding sides. Se. Yani ke left side, left side ko left side se add kiya humne, aur right side se add kar diya. So, ap plus bp plus cr plus dr is equal to s plus bq plus cq plus ds. ठीक है ना? अब ये दो दो को पेयर हमने लिखा, AP प्लस BP को एक साथ लिख दिया, CR प्लस DR को एक साथ लिखा हमने, उसी तरह से हमने BQ प्लस CQ इसको एक साथ लिखा एंड AS प्लस DS इसको एक साथ लिखा. नाउ AP प्लस BP मिलके क्या बन रहा है? टोटल हो गया हमारा AB. उसी तरह से CR प्लस CR, CR प्लस DR मिलके क्या बन जाएगा? DC. सिमिलरली BQ प्लस CQ दिस इज BC. And A plus D is, this is AD. Yeah, you have to prove this. Okay. Now note down. इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे. हो गया सभी का? हो गया है तो बताओ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करेंगे. जिन बच्चों का हो गया है वो अपना ने बुक से अगला फिगर ड्रॉ करें. ये हो गया, मिटाए इसे. बताइए बच्चे. यस मैम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 9 इज, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ. देयर इज अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ. एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ एंड इट इज गिवन दैट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश are two parallel tangents xy, this is xy
and this one is x dash y dash are two parallel tangents. Both are parallel to each other. And another tangent AB with point of contact C. Another tangent AB. Another tangent, ये एक और tangent हमने draw कर दिया है यहाँ से, whose point of contact is C. Another tangent AB. यहाँ पे हमने एक another tangent ले लिया है AB. A और ये B. ठीक है? Whose point of contact is C. Okay. Intersecting XY and at A, intersecting XY at A and X dash Y dash at the point B. Prove that. You have to show that. To prove, क्या prove करना है? Angle AOB. You have to show that. Angle AOB. Angle AOB. यहाँ पे. This is 90 degree. ये हो गया कितना होगा? You have to show that angle AOB is equal to 90 degree. ठीक है? तो हम लोग देखो, ये figure है. Figure सभी को समझ में आ गया? X given a circle with center O and XY and X dash Y dash are two parallel tangent. ठीक है? And another AB is then another tangent whose point of contact is C, which touches the line segment XY at the point A and a line segment X dash Y dash at the point B. You have to show that angle AOB is equal to 90 degree. So for this, we join OC. हमने OC को join कर दिया. So OC को हमने join कर दिया. Suppose here this is P and this one is Q. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ज्वाइन ओसी, ज्वाइन ओसी, ये ओसी को ज्वाइन कर दिया. तो यहां देखो, ये दो ट्रायंगल बन रहा है, ओ ए क्यू एंड ओ ए सी. दिस दो ट्रायंगल बन रहा है जब हमने ज्वाइन कर दिया. तो यहाँ पे देखो, ओ ए क्यू एंड ओ ए सी, इससे हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. कैसे दिखाओगे बताओ? अब इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. इन ट्रायंगल OAQ एंड ट्रायंगल OAC, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. बताइए कैसे होगा? कैन वी से दैट AC बराबर AQ? AC बराबर AQ कह सकते हैं. Why? बताइए क्यों? क्यों कहेंगे? जल्दी बताओ. कोई बच्चा है क्लास में? बताइए. हमने लिखा AQ is equal to AC. Why? Give reason. The tangent point from an external point is equal. Very good. Length of tangent drawn from the external point. A is the external point and AQ and AC are tangent. तो हमने लिखा AQ is equal to AC, length of the tangent drawn from the external point. Length of the tangent drawn from the external point are equal. अच्छा नहीं, देखिए OQ, what is OQ? What is OQ? OQ क्या है? OQ is radius. And XY is tangent. So OQ is radius and tangents. Angle between radius and tangent. कितने डिग्री का होता है? बताओ जल्दी. 90 degree. तो यहाँ लिखिए OQA. OQA is equal to angle OPB. नहीं, OPA, OC यहाँ से लेके सी में ले रहे हैं, ओ सी में. एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू ओ सी ए, ये भी हो गया. एंड ओ ए बराबर ओ ए क्या हो जाएगा? ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन हो गया. ये हो गया 90 डिग्री हो गया,
ये हो गया कॉमन हो गया बाई RHS, RHS congruence condition. RHS congruence condition से हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल OAQ is congruent to triangle OAC. ये हो गया ना. तो CPCT से क्या लिखेंगे, can we say that angle OAQ is equal to angle OAC, therefore angle OAQ is equal to angle OAC. ये हो गया CPCT से. ये CPCT से हो गया, ये CPCT से हमारा इक्वल हो गया. अब नाउ यहां देखिए QAC को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, QAC को हम लोग क्या लिख सकते हैं. नाउ एंगल QAC इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग OAQ प्लस OAC लिख सकते हैं. QAC इज इक्वल टू एंगल OAQ प्लस एंगल OAC. अब यहां देखिए QABP, व्हाट इज QABP, स्पीकर को देखिए QABP में क्या है. ये QABP ये हो गया तुम्हारा, ये QABP में देखो अभी इसको हम लोग एक और करते हैं. तो इंप्लाई करके लिखो OAQ इज इक्वल टू OAC, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल QAC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OAC लिख सकते हैं, क्योंकि AOAQ इज इक्वल टू OAC. तो ये इसको जगह पर जब ये इक्वल हो जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे ट्वाइस एंगल OAC, इसको लिखेंगे सिंस एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल OAC, ये दोनों आपस में इक्वल है. तो इसको हमने लिखा QAC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल AOAC. उसी तरह से नीचे में देखो इसको भी हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया सेम रीजन से. सिमिलरली QBC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OBC, सिमिलरली करके एक प्रूफ कर दिया हमने. तब लिखो सिमिलरली एंगल QBC, QBC इज इक्वल टू क्यू नहीं PBC, एंगल PBC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OBC, ट्वाइस एंगल OBC. ठीक है, ये हो गया. अब देखिए यहां पर QABP, QABP इज अ क्वाड्रिलेटरल, QABP इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल 90 डिग्री है, दिस इज एंगल 90 डिग्री है, यानी क्या एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल P इज आल्सो 90 डिग्री है. तो बताइए कि ये दोनों का सम भी कितना होगा, बताइए ये दोनों का सम क्यों कितना होगा, 180 डिग्री. लिखेंगे हम लोग नौ एंगल QAC प्लस एंगल PBC, PBC इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों होगा इसका रीजन भी दे दीजिए, क्योंकि QA सिंस QABP इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, उसका एंगल P एंड एंगल Q 90 डिग्री है, तो ये दोनों का सम भी क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री है, जिस दोनों एंगल का हो गया 90 प्लस 90, तो ये दोनों का सम भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा. अब QAC इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस एंगल OAC, इसको हमने लिखा है ट्वाइस एंगल OAC, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. और उसी तरह से इसको लिखो ट्वाइस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री. टू कॉमन ले लीजिए, टू कॉमन ले लिया हमने, तो हो गया OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी के एंगल OAC प्लस एंगल OBC दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री. ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री. अब यू हैव टू फाइंड एंगल AOB. नाउ इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल AOB प्लस OAC प्लस OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. देखिए इधर इधर ड्रॉ कर रहे हैं, नाउ इस तरफ देखिए. Now, in triangle AOB,
In triangle AOB, angle AOB plus angle OAC plus angle OAB, OBC, OBC, OBC is equal to 180 degree by angle sum property of triangle. ये दोनों का सम हमारा आ गया है 90 degree. We have just proved 90 degree, 180 degree. Therefore angle AOB is equal to 180 degree minus 90 degree is equal to 90 degree. Therefore angle AOB is equal to 90 degree, which you have to prove. यही तुम्हें प्रूफ करना था, ठीक है ना? ये क्वेश्चन समझ में आया? देखिए ये फिगर देखिए. सबसे पहले हमने क्या किया, ये फिगर दिया हुआ है. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, इसको नोट कर लो आप, पहले समझा देते. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ये एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है. ए बी इज अनदर टेंजेंट ऑफ सर्कल हुज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज सी. यू हैव टू शो दैट दिस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. यू हैव टू शो दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. फॉर दिस वी ज्वाइन ओ सी, हमने ओ सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है. तो वी इन ट्राइंगल ओ ए क्यू एंड ओ ए सी, इसको हमने आर एच एस से कॉन्ग्रेंट दिखाया है. देखिए आर एच एस से जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये एंगल दिस एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू ओ ए सी सी पी सी टी से इक्वल हो गया. एंड एंगल क्यू ए सी को हमने लिखा है ओ ए सी क्यू प्लस ओ ए सी, यानी कि ये दोनों इक्वल है तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल ओ ए सी. उसी तरह से ये दोनों को भी हमने सिमिलरली कर दिया है. सिमिलरली ये दोनों को कॉन्ग्रेंट करेंगे तो ये हो जाएगा पी बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ बी सी. अब यहाँ देखिए क्यू वाई वी पी इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. So angle Q is 90 degree, angle P is also 90 degree. Therefore angle A or angle B दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180 degree हो जाएगा. यानी के angle QAC plus angle PBC, यानी कि ये दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 degree हो जाएगा. और इसे हमने दिखा दिया OAC is equal to OBC, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम हो जाएगा 90 degree. अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से यहाँ पे आ जाते हैं. इन ट्रायंगल AOB बाय सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. अंडरस्टूड? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब हमारे पास एक मिनट टाइम है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary. What is the meaning of supplementary? Supplementary का मतलब क्या होता है? कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री. हाँ, तो ये देखिए फिगर, हमने क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर ड्रॉ कर रही हूँ मैं, और ये बन जाएगा तुम्हारा. ये है तुम्हारा, ये सर्कल है, दिस इज सेंटर ओ है. यहाँ से हमारा कोई पॉइंट ए है, पी ले लेते हैं, पी ए है, और यहाँ से ए है, ये पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट, ठीक है. और ये ओ है और ये ओ बी है, ये हो गया. तो यू हैव टू शो डैट एंगल ओ, ये दोनों का सम कितना होगा, 100. अभी ज्वाइन कर रहा है कौन, दीक्षा कुमारी. दीक्षा कुमारी, यू हैव जस्ट सीन इंटर द आफ्टर व्हेन आवर क्लास इज going to end, then you have joined the meeting. देखिए this question में to prove that the angle between the two tangent drawn from the external point to a circle is supplementary to the angle subtended to the line segment joining the point of contact at the center. So we know that, देखो इसको समझा दे रही हूँ. OA is perpendicular to AB. AP and BP are length of tangents. ये दोनों length of tangents है. And we know that OA is, यहाँ देखिए OA is perpendicular to, OA is, इस क्वेश्चन में देखिए OA is perpendicular to AP, therefore angle OAP is equal to 90 degree. Similarly OB is equal to also
OB is perpendicular to BP. BP. Therefore, angle OBP, ये भी कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री. तो ये देखो, OAPB, ये क्या बन रहा है? Quadrilateral बन रहा है. तो ये देने OAP ये in quadrilateral OAPB, ये दोनों का सम कितना है? 90 है, 180 है. Therefore, this angle और this angle दोनों का सम कितना होगा?